स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परिहार कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले हमने पांच जगत का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसके बाद कवक, पादप जगत और जंतु जगत का अध्ययन किया था। ये सब उस समय के हैं वर्गीकरण जब आर.एच. वेडेकर ने पांच जगत की वर्गीकरण बताई थी, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे हमारे विषय छूट गए हैं जिनका इन वर्गीकरण के अंतर्गत उल्लेख नहीं किया गया है। उसके अंतर्गत है वायरस, वायराइड, पोषण और लाइकिन। तो ये पांच जगत के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं जीवितों से संबंध रखते हैं, जीवितों में अपना अस्तित्व रखते हैं। तो ये किस प्रकार से इनको जरा हम अध्ययन करेंगे आगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वायरस। आप सभी इस समय बहुत अच्छे से वेल नोन हो गए होंगे इस शब्द से, वायरस। व्हाट इज वायरस? कभी ना कभी हम सर्दी जुकाम से ग्रस्त होते हैं, फ्लू का बीमारी होती है, तो आप सब कहते हैं ये एक वायरल इन्फेक्शन है। तो व्हाट इज वायरस? वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे जीव होते हैं, जो हमको नेकेड आई या न्यूड आई से दिखाई नहीं देते और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही हमें दिखाई देते हैं। और अभी इस समय हम सब एक बहुत वेल नोन डिजीज है जो पूरा विश्व से ग्रस्त है, जो कोरोना, वो भी जो बीमारी है वो किसके द्वारा जनित है? वायरस के द्वारा। यहाँ पर एक पिक मैंने दिखाई, ये कोरोना वायरस की पिक है, जो सब आप इसके स्ट्रक्चर से बहुत वेल नोन हो गए होंगे। चलिए देखते हैं वायरस क्या है। वायरस जो होते हैं वास्तव में उनका वास्तविक जीवन नहीं पाया जाता। अब इस शब्द को समझिए कि वास्तविक जीवन क्यों नहीं, इसको अभी हम आपको समझाएंगे। इसका अर्थ होता है विषैला तरल या विष। वायरस का क्या नाम दिया आर्थिक अनुकारा लोगों ने? विषैला तरल या विष। क्योंकि जो चिकन पॉक्स जो बीमारी होती थी, वो अगर उसका कोई लिक्विड या कोई सिरप सीरम उस पर टच हो जाता था बॉडी में, तो उससे दूसरे व्यक्ति संक्रमित हो जाता था, इसलिए इसको विषैला तरल कहा गया। इसको 1892 में जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डिमित्री इवानोवस्की, इन्होंने तंबाकू में जो एक रोग होता था जिसको मोज़ेक रोग कहते थे, उसमें खो जाता था। इन 1935 अर्थात 1935 में W.M. स्टेनले ने इसको कहा कि वायरस को हम कोशिका के बाहर क्रिस्टलाइन कंडीशन में अर्थात रवेदार, अब क्रिस्टल आप समझते हैं नमक के क्रिस्टल होते हैं, उसी प्रकार से इसको हम रवेदार रूप में रख सकते हैं। अगर हमने कहा कि वायरस जो है वो वास्तविक जीवन नहीं, तो उसको हम समझेंगे। जो वायरस होता है यदि वो किसी सेल के बाहर, इनको ध्यान से समझिए आप लोग, ये बहुत बेसिक है, ये सेल है, इसके बाहर यदि वायरस के पार्टिकल या वायरस मौजूद है किसी भी साइड शेप का, यदि वो यहाँ पर मौजूद है बाहर, तो ये इनएक्टिव कंडीशन में रहता है, अर्थात ये निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है बच्चों? ये रहता है निष्क्रिय अवस्था में, मतलब ये इसके अंतर्गत जीवन नहीं होता। इनकी जो अवस्था हो गई वो हो गई निष्क्रिय अवस्था, या इसको इनएक्टिव स्टेज भी कहा जाता है। यहाँ पर ये निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है, इसमें जीवन के कोई लक्षण मौजूद नहीं होते। When it enters to the host body या host cell, जब ये host body यानी किसी व्यक्ति या किसी जंतु या किसी पादप की कोशिका या उसके बॉडी के अंदर जाता है, वहाँ पर ये एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो करके ये उस कोशिका की जितनी मशीनरी, जैसे कोशिका ऊर्जा का प्रोडक्शन कर रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस दे रही है, इस प्रकार से जो काम कर रही है उसको ये अपने कंट्रोल में ले लेता है। और जब ये इसको कंट्रोल में ले लेता है तो क्या कहता है? नहीं, अब तुम अपना काम नहीं करो, सीधे मेरे निर्देशों का पालन करो। और उसका जितना भी मशीनरी ऑर्गेनाइज उसको अपने कंट्रोल में लेकर के अपने ही जैसे और दूसरे वायरस इसको सिंथेसाइज करता है, बनाता है। बहुत अधिक मात्रा में ये वायरसेस फिर वहाँ पर बनने लगते हैं। तो जब ये बाहर है तो निष्क्रिय है, और जब ये होस्ट सेल के अंदर है, होस्ट सेल है नॉन कोशिका, जब ये होस्ट सेल के अंदर है तो वो सक्रिय हो जाता है। तो इसलिए इसको वास्तविक जीवन नहीं माना जाता। इट इज क्लियर टू यू?
डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? आप सबको बहुत अच्छे से मालूम होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जो वायरसेस प्लांट्स में अटैक करते हैं वो होते हैं आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने और सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ऐसे स्ट्रैंड आते हैं सिंगल स्ट्रैंड अर्थात एक सूत्री इस प्रकार से दिखाई होते हैं स्ट्रक्चर। जो एनिमल पर अटैकिंग वायरसेस हैं वो आरएनए या डीएनए होते हैं लेकिन दे ऑल आर दो सूत्र अर्थात डबल द्विसूत्री स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है सिंगल ऐसे खुला नहीं रहता है, इसके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण होता है। उस प्रोटीन के आवरण को कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। और इसकी एक यूनिट मतलब एक यूनिट जैसे अपने घर बनता है ईंटों के स्ट्रक्चर से, उसी प्रकार इसकी एक यूनिट को कैप्सोमियर कहा जाता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है बैक्टीरियोफेज का, मतलब कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो इसमें अटैक कर देते हैं, बैक्टीरिया पे अटैक कर देते हैं। तो ये वायरसेस भी जो है इनकी भी दुनिया बहुत अनोखी है और इसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इसका चित्र दिखाई देगा। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अब हम यहाँ पर मधुमाती के वायरस देख रहे हैं, जैसे कि ये एड्स वायरस जिसको एचआईवी वायरस बोलते हैं, ये हेपेटाइटिस बी का वायरस है, ये एबोला वायरस का डायग्राम है, ये है एडीना वायरस, ये है इन्फ्लुएंजा वायरस, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर भी मोर इससे मिलता जुलता है, और ये है बैक्टीरियोफेज। अगर हम टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें उसका स्ट्रक्चर आपको किताब में भी दिया है और इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रा करने को आ रहा है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस की अगर हम देखें तो इसमें दो भागों में बटा है, पहला जेनेटिक पदार्थ इसका और दूसरा इसका प्रोटीन कोड। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं यूनिट ऐसी बनी हुई, ये प्रोटीन कोड कहलाती है और ये इसको कहते हैं कैप्सिड। और ये बनाना बहुत आसान है कैप्सिड। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आप आरएनए की लड़ देख रहे हैं ये है इसका जेनेटिक मटेरियल अर्थात आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन निहित कहती है कि वो किस प्रकार से पोस्ट मशीनरी को यूज करके अपने जो संख्या है उसको कैसे बढ़ाए। नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं हमारे वायराइड और प्रियॉन्स। ठीक है, तो जो वायराइड होते हैं वो भी वायरस जैसे ही बिहेव करते हैं, अर्थात जैसे वायरस बाहर इनएक्टिव रहता है और होस्ट सेल में एक्टिव हो जाता है, उसी प्रकार से जो वायराइड रहता है वो भी होस्ट सेल में एक्टिव रहता है और मल्टीप्लाई होता है। ये प्लांट डिसीज कॉज करते हैं मेनली, और इसको 1971 में टीओ डाइनर ने पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज में खोजा था। सबसे मेन इसका स्ट्रक्चर जो है वो वायरस जैसे ही होता है लेकिन इसमें सिर्फ आरएनए होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड ये आरएनए स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आवरण या प्रोटीन खोल नहीं पाई जाती, ये ध्यान देना है। इतना अंतर है वायराइड और वायरस में कि वायराइड में प्रोटीन खोल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, वायरस में पाया जाता है। अगर हम देखें तो इसमें प्रोटीन आवरण नहीं होता, इसलिए इसका आणविक भार कम होता है वायरस के मुकाबले। सेकंड देखेंगे बच्चों प्रोसंग। जब बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हुई तो खोजा गया तो उसका कोई कॉज नहीं मिला। बहुत मुश्किल से जब पता चला कि एक ये जो बीमारियां हैं ये फोल्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर के कारण हो रही हैं, फोल्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर उसके कारण ये बीमारियां हो रही हैं। इस प्रकार से जो प्रोटीन रहता है वो ऐसे
अनियमित, उसमें फोल्ड प्रोटीन उसमें रहता है। तो ये सिर्फ प्रोटीन बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? प्रोटीन बॉडी होती है, और इसके कारण भी बीमारियां होती हैं, और इनको प्रोसंक कहा गया। अब इनके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती है? पहली है मैड काउ डिसीज, और अगर मनुष्यों में देखें तो सी आर जैकब रोग इनमें होता है। आपको ये बहुत शॉर्ट में है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में समझाया है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, जिसका पांच जगत वर्गीकरण में नहीं था, वो है लाइकेन। कौन सा है? लाइकेन। लाइकेन हम सबसे अच्छा उदाहरण इसको किसमें देखते हैं? सहजीवी के रूप में। सिम्बायोसिस का ये बहुत अच्छा उदाहरण है, अर्थात ये जो होते हैं ये प्रदूषण के संकेतक भी होते हैं। अर्थात जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक पॉल्यूशन होता है वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते। जहां साफ सुथरा स्थान है, जहां प्रदूषण कम है, पॉल्यूशन कम है, वहां पर ये पाए जाते हैं। अब अगर हम लाइकेन को किससे मिलके बना होता है, तो ये दो चीजों से मिलके बना होता है। जो पार्ट शैवाल से मिलके बना होता है उसको कहते हैं शैवलांश, अर्थात शैवाल का पार्ट होता है। शैवाल क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। और दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है कवकांश, अर्थात कवक से मिलकर के बना होता है। और कवक क्या करता है? शैवाल को रहने के लिए जगह देता है, और खनिज लवण का अवशोषण करके किसको देता है? शैवाल को। बदले में शैवाल क्या देता है? इसको भोजन देता है। तो दोनों आपस में एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे सहजीवी माने जाते हैं। और ये इतने अच्छे तरह से फ्यूज्ड होते हैं दोनों का, कि इनको अलग अलग करना, डिफाइन करना कि कौन सा पार्ट शैवाल है, कौन सा पार्ट कवक है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये था बच्चों हमारा वायरस, वायराइड, प्रोसंग और लाइकेन के बारे में। यहाँ आपका अध्याय 2 समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम वनस्पति जगत का वर्गीकरण अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।